लो जी बटाला शहर दे विच मैं आई हां ते जदों स्टूडेंट्स नाल गलबात होई ते एक ही नाम जुबान ते आया ओ है जी वाइब एकेडमी एंड इमिग्रेशन। खासियत की है क्यों स्टूडेंट इतना पसंद करते हैं, स्पेशलिटी दी गल करा ते पीटी स्पेशलिटी इना दी और वीजे दी गल करा वीजा कैटेगरी दी ता जी स्टडी वीजा स्पेशलिटी है, स्टूडेंट बहुत पसंद करते हैं। खास की है अंदर चल के देखते हैं, आओ फिर अंदर चलिए। पता जरूर नोट कर लो SCF 27 चिट्टी ग्राउंड बटाला, आओ चलिए। सलो जी मैं वाइब अकैडमी एंड इमीग्रेशन की इस टाइम रिसैप्शन से खड़ी हूँ। इंक्वायरी के लिए तुम आ सकते हो, पीटी करनी है या फिर वीजा के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी है तो तुम इतने आके गलबात कर सकते हो। बिल्कुल इधरली साइड अगर तुम देखोगे तो इतने तुम्हें वेटिंग एरिया मिल जाएगा। आज सक्सेस स्टोरीज चाहे वह होवे पीटी दी चाहे वह होवे वीज़ा रिगार्डिंग, तुसी वेख सकते हो बड़े अच्छे स्कोर ले लिए स्टूडेंट्स ने पीटी दे विच भी और नाल ही नाल वीज़ा स्टोरी की गल करा वो भी कमाल देने। जिवें मैं पहला कहनी हुनी है कि हिस्ट्री जरूर चैक करया करो, सो अगर वाइब अकैडमी की मैं गल करा जबरदस्त हिस्ट्री है इन्हां दी। चलो जी हूँ तुम्हें दिखाई हाँ मैं पीटी लैब यानी कि प्रोफेसनल पीटी लैब वाइब की स्पैशलिटी है पीटी दे विच स्कोर किद्दां इन्ने वधिया तुहानू दसदा। प्रोफेसनल माहौल, वैल एजुकेटेड टीचर और नाल ही नाल अप टू डेट मटीरियल, इसे लिए स्टूडेंट्स आते हैं जबरदस्त स्कोर। हाँ जी मैम, मेरे इधर ब्रदर भी पहला करके गए हैं इतों सेंटर चो, मैडम वधिया उन्होंने गुड रिजल्ट रहा, उन्होंने मैंने भेजा इतने वो कहते कि वधिया इंस्टीट्यूट इतने, मैम बहुत वधिया स्टाफ इतने, इसलिए मैम। की टारगेट लैके आए हो, किन्ने स्कोर चाहिए ने? हाँ जी मैम मैं कनेडा का ड्रीम है मैम, मेरे पहले 5.5 आते थे हूँ 6 तक आ रहे हैं, मतलब कोशिश जारी है। हाँ जी मैम वाइब अकैडमी एंड इमीग्रेशन की मैनेजमेंट टीम तुम वेख सकते हो खुद इनवॉल्व रहते हैं स्टूडेंट्स के नाल, फाइलिंग प्रॉपर तरीके फाइलिंग चैक किया जाता है कि किसी तरह की कोई कमी तो नहीं, इसलिए सक्सैस रेट ज़्यादा ने वाइब अकैडमी एंड इमीग्रेशन के। वाइब अकैडमी एंड इमीग्रेशन के डायरेक्टर मेरे नाल जुड़ चुके ने मैम जसप्रीत कौर जी, गलबात करते हैं ज़्यादा जानकारी उन्होंने को लै लेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हाँ मैम पीटी की सब तो पहले आप गल करते हैं, स्पैशलिटी है थोड़ी पीटी के नंबर ऑफ पीटी इंस्टीट्यूट ने बटाला शहर के, थोड़े को स्टूडेंट क्यों आवे की खास है? पीटी दे विच असी पूरी मार्केट दे विच एक्सपर्ट मन्ने जाने हैं, लाइक वाइब अकैडमी नू बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट मन्या जाता है क्योंकि बच्चे साडे कोल आउंदे ने, उन्हां दे क्वेश्चंस की हुंदे ने कि असी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हाँ अदर इंस्टीट्यूशनस तो, एंड वो सैटिस्फाई भी नहीं होंगे क्योंकि उन्हां दा टारगेट हुंदा एटलीस्ट 6 बैंड अचीव करना, बट जदों फाइनल एग्जाम देन जाते हैं तो उन्हां दे सिर्फ 4 and 4.5 बैंड ही आते हैं। एंड मेरे को जो हैगा है वो स्पेशल ये है कि असी एक पेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिदे तो बच्चा बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड है एंड बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर कर रहा है, जो उन्होंने रिक्वायरमेंट होंगी है उस तो उपर ही अचीव कर रहा है वो बच्चा। सो मैम हूँ आ जाते हैं टूरिस्ट वीजे के वाल, टूरिस्ट वीजे की गल की जाए तो कि कंट्री नू तुसी डील करते हो? मैम असी स्पेशली कैनेडा एंड यूके नू टूरिस्ट वीजा दे विच डील करते हैं, जिस तरह मोस्टली केसिस होंगे कि बच्चे सोचते हैं या कोई भी यंगस्टर सोचता है या उन्होंने फैमिली सोचदियाँ ने कि वो बाहर नहीं जा सकते एज अ टूरिस्ट, बट मैं कहनी हाँ कि बच्चा भी जा सकता एंड उन्होंने पेरेंट्स भी जा सकते हैं क्योंकि मैनू पता है कि ये वास्ते रिक्वायरमेंट्स भी कोई ज़्यादा नहीं है, फाइनैशियल साढ़े स्ट्रोंग होने चाहिए है, ब्लड रिलेशन के असी स्पॉन्सरशिप मंगवा सकते हैं लाइक फैमिली को, फ्रेंड्स को, ब्रदर सिस्टर को, किसी को भी, ठीक है जी। एंड साढ़े सक्सैस रेट है एंड टूरिस्ट वीज़ा जो अभी गल करिए कि 10 ईयर का मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा भी लगता है, लाइक मेरे को एक एग्जाम्पल है रीसेंट वीज़ा आया, बहुत सारे वीज़ा पहला भी असी लगवा चुके हैं कैनेडा दे भी एंड यूके दे भी, जिन्होंने कोई होप भी नहीं सी कि वो कभी बाहर भी जाएंगे। बिल्कुल जी। सो वेखिया कन्फ्यूजन नू पूरी तरह दूर किया गया, पीटी दे विच किस तरह की रिक्वायरमेंट है, ये किस तरह की पीटी प्रोफेशनल करवा रहे ने, सो तुसी वेख सकते हो मैम दे नाल असी कीती गलबात, हुण चलदे हां जी सर दे वल। वाइब अकैडमी एंड इमीग्रेशन के डायरेक्टर मेरे नाल जुड़ चुके ने गुरसिमरन सिंह जी, धन्नवाद करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है जी। सर सब तो पहला तो गल करांगे कि वीजे दी कैटेगरी दी अगर गल की जाए, स्टडी वीजे दे विच स्पेशलिटी है थोड़ी, केड़ी केड़ी कंट्री नू डील करते हो? देखो जी असी सब तो पहला गल की जाए तो स्टडी बारे पूछा तो असी सब तो पहला स्टडी की गल की जाए तो मैं यूके नू ज़्यादा प्रमोट करता एंड नाल दी नाल हुण इस टाइम कैनेडा आस्ट्रेलिया भी स्टार्ट हो चुका है
एंड तीन कंट्रियां इस वे पीक से जा रही ने। कैनेडा ज़्यादा जा रहा इस टाइम, यूके पहला सी, इस समय जो हवा चल रही है कैनेडा की ज़्यादा चलेगी, आने वाले समय के आस्ट्रेलिया आलसो एंड यूके का इस टाइम ज़्यादा वर्क परमिट ज़्यादा प्रमोट कर लगे हैं असं आने वाले समय जी। जो यूके की गल होंगी है वाइब का नाम जरूर आता है, की खास गल है जी? यूके एक्सपर्ट इसलिए मने जा रहे हैं असी एंड क्योंकि 2019 तो असी यूके का काम करते जा रहे हैं, ये असी विदाउट का काम भी काफ़ी किया, उस तो बाद रिक्वायरमेंट आई हैं बच्चे दी आईएलटीएस पीटी दी, हूँ मेरे को पीटी का सैटअप सब बच्चे पीटी भी मेरे को करके मेरे को ही वीज़ा लाना पसंद करते हैं क्योंकि वह रिजल्ट की है कि असी सारे पैसे वीज़ा लगन तो बाद देने, सारे पैसे वीज़ा लगन तो बाद लेने, वो बच्चा सैटिस्फाई होकर जाता है साढ़े तो, उन्होंने माँ प्यो सैटिस्फाई होकर जाते हैं क्योंकि हर कोई पंजाब के माँ प्यो ये सोचते हैं कि असी पैसा कुछ नहीं देना, साढ़ा वीज़ा लगेगा असी पैसे देने क्योंकि डरते हैं, वो कुछ एजेंट तो डरते हैं जिदे करके कि असी उन्होंने ये जी आप सर्विस दे रहे हैं ये सर्विस साढ़े लिए भी गुड है एंड उन्होंने भी गुड है जिदी असं दोनों पार्टियां सेफ हो जाने। सो यूके का ज्यादा असी जी प्रमोशन आ जो अं कह सकते हैं कि इस वर्ड मने जाने इस करके मने जाने। बिल्कुल जी, कुछ नहीं है कहने क्योंकि देखने बहुत कुछ है, हिस्ट्री जबरदस्त है, तुम भी अपना फ्यूचर करना चाहते हो ब्राइट तो बेस्ट ऑप्शन है। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, गलबात कर सकते हो, विजिट कर सकते हो।